चुनाव प्रचार थमसा गया है, इसके बाद आप करना चाहेंगे? देखिए, हमने जितनी कोशिश करी है, हम जहाँ तक पहुँच पाए हैं हमारे क्षेत्र में, हम उनके पास गए हैं। सबसे पहले तो हमने हमारा नाम उनको बताया है कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं और क्या करेंगे हमारे क्षेत्र में, जिस जो क्षेत्र में काम हुआ है वो कितना हुआ है, जो नहीं हुआ है उसे हम कैसे करेंगे और किस तरह से करेंगे, वो हम उनको बताते रहे। और आगे भी हम ऐसे ही डोर टू डोर जाएंगे और उनको यही बताएंगे कि भाई हमारा क्या गोल है हमारे क्षेत्र को, और हमारे क्षेत्र से वो चीज़ बाकी क्षेत्रों में लागू हो उसको करने का क्या तरीका है वो। बीजेपी के गढ़ में सेंध कैसे मारेंगे आप, निर्दलीय हैं? देखिए, गढ़ तो बीजेपी का है, वो बात बिल्कुल सही है, बट बाकी पार्टीज भी तो लगी हुई हैं जैसे मैं लगा हुआ हूँ। और मेरा कॉम्पिटिशन जो है वो सिर्फ ये है, वो मेरा खुद से कॉम्पिटिशन ये है कि मैं जिस तरह से काम करना चाहता हूँ वो काम हर पार्टी भी कर सकती है, हर कैंडिडेट कर सकता है। जो काम जैसे होना चाहिए उसको इस तरह से, अगर वो उस तरह से होगा तो विकास होगा, वरना सांगानेर को जो है वो 10 साल से इतना पिछड़ चुका है, वो और पिछड़ता जाएगा। हमने माना आप जीत गए हैं, तो आने वाले 5 साल में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा सांगानेर विधानसभा में? देखिए, अगर मैं जीत जाता हूँ और अगर मैं नहीं भी जीतता हूँ, मेरा गोल वो सेम रहेगा। सबसे पहले सांगानेर क्षेत्र में जो पानी की दिक्कत है उसको मैं निवारण करूँगा, उसके बाद जो सांगानेर क्षेत्र में क्लीनलीनेस है उसका निवारण करूँगा। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं तो टूरिज्म को बढ़ावा देने से पहले हमें वहाँ पे सफाई अभियान चलाना होगा। सांगानेर क्षेत्र इतना साफ होगा कि वहाँ पे जो भी आदमी बाहर का आएगा सबसे पहले सांगानेर एक माना जाएगा कि टूरिज्म की वो है। बहुत बहुत धन्यवाद। 25 तारीख को वोटिंग होनी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कौन सा कैंडिडेट आप लोगों की सुनेगा, और क्या लगता है कि आपकी उम्मीदों पे खरा कौन उतरेगा? मैं जितेंद्र नाथ, श्री चित्रगुप्त बाल हितकारी समिति का महाप्रदेश महासचिव, आपको बताना चाहूँगा कि हम 12 भाई मिलकर के एक समाज बनाते हैं। चित्रगुप्त जी महाराज के संतान हैं 12 भाई मिलकर के, जिसको हम कायस्थ समाज कहते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे समाज का बेटा निशांत माथुर आज सांगानेर से उम्मीदवारी लेकर के आया है निर्दलीय तौर के ऊपर। देखिए, हमारा बहुत बड़ा समाज है, लेकिन किसी भी पार्टी की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला है, डायरेक्ट वे के अंदर कह सकता हूं मैं। तो निशांत माथुर ने अपनी उम्मीदवारी बताई है एज ए निर्दलीय, जिससे लगता है कि हमारा पूरा 12 भाई मिलकर के इस निशांत माथुर को एक तरीके से अपना उम्मीदवार बना करके सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विजयी बनाएंगे। और हम जितनी भी संस्थाएं हैं कायस्थों के, राजस्थान के और जयपुर के स्पेशली, वो सब मिलकर के सब निशांत माथुर को हम सपोर्ट कर रहे हैं। जीतेगा तो निशांत माथुर ही जीतेगा। नहीं, इतने साल से बीजेपी यहाँ पे रही है, तो क्या कमी रही बीजेपी के काल? देखिए साहब, कमी तो क्या बताऊं मैं, एक्चुअली के अंदर राजनीति के अंदर हर कोई व्यक्ति अपनी तरफ से अपना खुद का क्षेत्र देखता है, लेकिन कायस्थ समाज एक ऐसा समाज है जिसको हर संस्थान ने, हर राजनीतिक पार्टी ने नेग्लेक्ट ही किया है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, कहने के तो हम चित्रगुप्त जी के संतान हैं, हर व्यक्ति का लेखा जोखा रखते हैं, लेकिन इस लेखा जोखा के करने के हिसाब से किस व्यक्ति ने या किस राजनीतिक पार्टी ने कायस्थ समाज को उठाया है, मुझे नहीं लगता किसी कायस्थ समाज को उठाने के लिए किसने किया है। बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट समाज हमें उठाना है, समाज को बताना है कि हम भी कोई व्यक्ति हैं। हमारे 12 भाई जो मिलकर के हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, सबका लेखा जोखा करते हैं, शिक्षित समाज है, संस्कारी समाज है, शांत स्वभाव वाला समाज है। अब आप देखिए, किसी प्रकार के क्षेत्र के हम अग्रणी थे, लेकिन आज हमारी पोजीशन ऐसी हो गई। क्या जादूगर का जादू चलेगा राजस्थान में या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। चलेगा, चलेगा तो निशान का जादू चलेगा, नहीं कायस्थों का चलेगा। और कायस्थ बिल्कुल जयपुर में ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर कायस्थ जागरूक हो चुका है। कायस्थ जागरूक हो चुका है तो कायस्थ कम्युनिटी बहुत ऊंची उठेगी। तो कायस्थ के साथ साथ के अंदर देखिए, बीजेपी कांग्रेस, ये मुश्किल सवाल पूछ लिया है आपने। हर व्यक्ति का अपना अपना वक्तव्य है, अब देखिए कौन का ऊंट करवट किस तरफ बैठता है, ये 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा। मेरा मतलब, सरकार ने काफी गारंटी दी है, महिलाओं को 10,000 देने की बात कर रहे हैं, दी है, पर क्या वो पूरी की है? 2,00,000 लोगों को नौकरी देने की उन्होंने बात कही थी, कितने लोगों को दी है? कुछ दिन पहले प्रियंका जी ने भी एक अपना इंटरव्यू में दिया है कि साहब 40,000 हमने नौकरी दी है। बताइए 40,000 कौन सी दी है एक्चुअली के अंदर? हमारे समाज के, मैं मेरी समाज की बात करता हूँ, मेरे समाज के व्यक्ति प्राइवेट नौकरी की तरफ तरस रहे हैं एक्चुअली में। सरकारी नौकरी तो बात छोड़ दीजिए, क्या करें फिर हम, कहाँ जाएगी जनता? जनता को सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ रोटी प्रॉपर वे में मिलनी चाहिए, क्या वो मिल रही है? नहीं मिल रही। दूसरा चाहिए कपड़ा, बताइए कपड़ा कहाँ पर है? आज भी आप रोड के ऊपर निकले रात को 2 बजे, लोग बाग ठिठुरते हुए मिलेंगे इस सर्दी के अंदर भी। तीसरा चाहिए उसको मकान, मकान की कीमतें जब
नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा लोगों को? मेरा तो सोच ये है कि हमें ऐसी सरकार चाहिए, हम ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं, हमारा तो नेता ऐसा होना चाहिए। सरकार की तरफ है बीजेपी या कांग्रेस? फिर वही मुश्किल सवाल आपने कर दिया भैया। चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, हम सबके साथ में हैं, बट हम चाहते हैं कि हमारा भला हो, लोगों का भला हो। लोगों को सुरक्षा चाहिए, लोगों को शांति चाहिए, अमन चाहिए और सुकून की ज़िंदगी चाहिए। हमें नहीं चाहिए फोकट की चीज़, हमें हमारा खुद का एक स्टैंड चाहिए ताकि हम आगे बढ़ के दिखा सकें कि हाँ, हम लेखा जोखा रखने वाले ब्रह्मांड के पहले न्यायाधीश के संतान हैं, तो हम आज भी उसी को मानते हैं और उसी को मानेंगे। बहुत बहुत